हेलो स्टूडेंट, टुडे माय सब्जेक्ट इज जीके एंड वी लर्न अबाउट चैप्टर 22 ऑल अबाउट मनी। आज हम जीके में चैप्टर 22 पढ़ेंगे जिसका नेम है ऑल अबाउट मनी। अ सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। द करेंसी ऑफ इंडिया इज द रुपीज। किसी भी कंट्री की जो पर्टिकुलर पैसे यूज होते हैं, जो पैसे वहां पर किसी भी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री में पैसे यूज होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी हमारी रुपीज है। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी है रुपीज। मैच दीज कंट्रीज टू देयर करेंसी। यहाँ पर हमें कुछ कंट्रीज दी हुई है और उन्हें हमें करेंसी से मिलाना है। ओके, फर्स्ट हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी हमारी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी हमारी टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। तो यहाँ पर वन वाले को हम यहाँ इस बॉक्स में लिख देंगे। सेकेंड हमारा यूएसए। यूएसए की करेंसी हमारी क्या है? यूएसए की करेंसी हमारी डॉलर। तो यहाँ पर हम सेकेंड लिख देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज यूके। नेक्स्ट है हमारा यूके। यूके की करेंसी हमारी क्या है? यूके की करेंसी हमारी है पाउंड स्टर्लिंग। यूके की करेंसी हमारी पाउंड स्टर्लिंग। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? थ्री। एंड फोर है हमारा जापान। जापान की करेंसी हमारी क्या है? जापान हमारा फोर है और जापान की करेंसी हमारी क्या है? येन। जापान की करेंसी हमारी है येन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोर। एंड फिफ्थ इज इटली। फिफ्थ इज इटली। इटली की करेंसी हमारी क्या है? इटली की करेंसी हमारी है यू। इटली की करेंसी है यू। एंड लास्ट इज हमारा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी हमारी रियाल। सऊदी अरेबिया की करेंसी हमारी रियाल। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज हमें दी हुई थी और यहाँ करेंसीज दी हुई थी, तो कंट्रीज को हमें करेंसी से मैच करना था, जो हमने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ में नेक्स्ट चैप्टर हमारा 24 है, फूड वी ईट। इसको भी हम अभी करेंगे। आइडेंटिफाई दीज डिशेज एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें कुछ डिशेज दिए हुए हैं और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चल, हमारी केक की बनी हुई है जिसमें कि हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक, ब्राउनी, मैक्रोन, डोनट। ठीक है, तो ये चारों में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो हम इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बना हुआ है खीर। नेक्स्ट क्या बना हुआ है? खीर। तो यहाँ रसगुल्ला दिया है, जलेबी दी है एंड गुलाब जामुन, और ये लास्ट हमारा खीर। तो करेक्ट आंसर इज खीर। उसके बाद बना हुआ है पिज्जा। तो पिज्जा की पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पास्ता, रिसोटो, पिज्जा, बर्गर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? पिज्जा। एंड फोर्थ इज ये क्या दे रखा है हमें? सैंडविच। फोर्थ इज सैंडविच। तो यहाँ सैंडविच की पिक्चर है, तो हम यहाँ देखेंगे सैंडविच कहाँ लिखा हुआ है? सैंडविच लिखा है ये। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस पर हम टिक कर देंगे। एंड फिफ्थ इज जलेबी। रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एंड लड्डू। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? जलेबी। एंड ये पिक्चर देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, नूडल्स, फ्राइड राइस, एग रोल। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? नूडल्स। तो हम नूडल्स पर टिक कर देंगे। ओके, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर है, चैप्टर 25 एयर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हमें यहाँ फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया है जिनकी हेल्प से हमें फिल करना है। फर्स्ट हमारा है द अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द। जो अर्थ हमारा है वो एयर की एक चादर से कवर्ड है, तो उसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट डैश एयर। तो वी कैन नॉट सी एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस डैश। एयर इज अ मिक्सचर। एयर किसका मिक्सचर है? रंगीन यानी कि कलरलेस गैसेस का। एयर हैज वेट। एयर हैज वेट। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
एयर डज नॉट हैव एनी, एयर डज नॉट हैव एनी शेप, एयर डज नॉट हैव एनी शेप. लिविंग थिंग डैश एयर, लिविंग थिंग जो है वो एयर में क्या लेती है, ब्रीथ. एंड उसके बाद है हमारा प्योर एयर हैज नो स्मेल, जो प्योर एयर होती है उसके अंदर स्मेल नहीं होती.